बट इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ जब मैंने जॉब छोड़ दिया है, तो मैं आपके लिए एकदम ऑनेस्ट फीडबैक बताऊंगा कि कैसा बना है। तो बैंगलोर आने के बाद आज वो ऐसा दिन है जहाँ पे मैं जल्दी उठ गया हूँ, वरना मैं हमेशा 10-11 बजे उठता था। आज ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ। आज सैटरडे और पता नहीं नींद बस खुल गई, बिकॉज़ आज सुबह जल्दी वर्कआउट करना था। और ऑनेस्टली ऐसा कोई सैटरडे वाला फील मेरे को आ नहीं रहा है। वन रीज़न मे बी बिकॉज आई वॉज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मंडे टू फ्राइडे तो पता ही नहीं चलता था कैसे पार हो जाता है, और सैटरडे संडे ही बस लगता था कि इसी में ज़िंदगी काट रहे हैं। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ जब मैंने जॉब छोड़ दिया है, एंड नाउ एवरी डे आई जस्ट फील कि हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंट एंड कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। बस यही है कि थोड़ा ज़्यादा हसल करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है क्या करें पूरे दिन में, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट जॉब आपका पूरा दिन शेड्यूल्ड रहता है। सो फर्स्ट कपल ऑफ डेज वेयर रियली वियर्ड फॉर मी कि कैसे करना है क्या करना है, एंड बहुत शुरू के बहुत दिन तो मैंने वेस्ट भी किए थे, क्योंकि मैंने बस चिल किया था, पता नहीं चल रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बट नाउ थिंग्स आर प्रिटी गुड, अब थोड़ा थोड़ा रूटीन क्रिएट हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस में कुछ वीडियो शूट करूँगा, सो दैट मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल पाऊँ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वे जहाँ पर मैं ऑक्यूपाइड रह सकता हूँ। सो दिस इज़ माई स्टेबल प्री वर्कआउट मील, मैंने पहले भी दिखाया है। इसमें 50 ग्राम ओट्स है और अराउंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन है, और अभी मैंने पानी मिक्स कर दिया इसमें, और इसको मिला के मैं फ्रिज में रख दूँगा। इट विल बी रेडी इन ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स। ये म्यूसली है, मैं इसको 20 ग्राम्स मिलाऊंगा, बिकॉज इट इज़ रियली डेंस इन कैलोरीज, तो मैं मुझे अपनी कैलोरीज यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी, तो मैं बस थोड़ा सा ही म्यूसली मिलाऊँगा। सो जब भी मैं सुबह ट्रेन करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा हैवी नहीं खा के जाता, बिकॉज इतना ज़्यादा खाना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और यूजुअली बस 2 बनाना खा के जाता हूँ और ब्लैक कॉफ़ी। बट आई हैव टाइम राइट नाउ, ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो मैं इसको अभी 10 मिनट के बाद खा लूँगा, और उसके बाद फिर जाके ट्रेन करेंगे, सो दैट आई कैन गेट बेटर पम्प एट जिम। मैं एम्प्टी स्टमक ट्रेन नहीं कर सकता। सो आई जस्ट केम टू माई टेरेस राइट नाउ टू शो यू द व्यू। बैंगलोर का वेदर का कोई टक्कर नहीं है, जितना भी मैं बोल लूँ कि हाँ झारखंड में वेदर अच्छा है, बट यहाँ का वेदर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब ऐसा वेदर रहता है कि आपको मन करता है कि पूरे दिन सोए रहो, और इसी की वजह से मेरा पूरा दिन मोस्टली ऐसे ही पार होता है। एंड सी द व्यू जस्ट, ये एवरीवन हु इज़ इन बैंगलोर, ये मान्यता टेक पार्क का एरिया है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये सारी बिल्डिंग जो है ये मान्यता टेक पार्क की है, और एकदम घर मेरा सामने ही है यहाँ से। तो हाँ, मतलब वेदर बहुत ही अमेजिंग रहता है, और शाम को अगर आप आओ चाय वाय पीने, तो पूरा 1-2 घंटा तो आप आराम से यहीं पे बैठ सकते हो, बिकॉज़ इतना अमेजिंग वेदर है। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ, 1 राउंड मारूँगा और फिर प्री वर्कआउट खाएँगे और फिर चलते हैं जिम। गजब कोट्स बना दिए। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ एक जगह पे डालना था सिर्फ एक कटोरे में, बट फिर भी पता नहीं, शायद भगवान ने ऐसा कोई शक्ति दी है जिससे मैं गंदा खाना बना ही नहीं पाता, मतलब हमेशा इतना टेस्टी बन जाता है मेरे से। अच्छा हुआ मैं फिटनेस में आ गया, अगर कुकिंग में चला जाता तो संजीव कपूर, कविता किचन, ये सबको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता अपने लाइफ में।
सॉरी कब क्या बना दिया। सो आई वॉज नॉट टेकिंग एनी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बहुत टाइम से, बट आज आएगा ज़रूरी पड़ेगा बिकॉज नींद उतनी ज़्यादा हुई नहीं है और सुबह सुबह मेरे को आदत नहीं है ट्रेन करने की। तो अभी मैं सप्लीमेंट लूँगा प्री वर्कआउट का। यूजुअली मैं बस कैफीन लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में ब्लैक कॉफ़ी डालता हूँ, नॉर्मल कॉफ़ी डालता हूँ, वो मेरा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है। उसको छोड़ के मेरे पास ये सब, मतलब अभी तो मैं ये ले रहा हूँ, हाइट का है, इट हैज़ ऑलमोस्ट 250 mg ऑफ कैफीन पर सर्विंग। मजा आ गया। सो वापस एक कांड हो गया, जो दूसरी स्कूटी थी मेरी वो पंचर थी, इसलिए आई हैड टू टेक अनदर स्कूटी। थैंकफुली दो स्कूटी है तो ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, वरना तो बैंड बज जाती। एंड फोर्थ फ्लोर पे जिम है, आई नेवर टेक लिफ्ट बिकॉज छोटा सा कार्डियो हो जाता है और ऑल्सो 10,000 स्टेप्स ईजिली पूरे हो जाते हैं जब आप स्टेयर्स लो। तो आई डोंट नो सिंस व्हेन आई एम नॉट टेकिंग लिफ्ट, जिम में ऑफिस भी जाता था तब। इट्स ईजी वे टू गेट इन योर स्टेप्स। मेरा नाम सिद्धार्थ हार गौड़ा है, मैं फर्स्ट ईयर डिग्री में हूँ। बस क्या उम्र है? 18। कितने साल से लिफ्ट कर रहा है? 7 months। और पीआर क्या क्या है? पीआर डेडलिफ्ट 120 है और बेंच प्रेस 65। मेरा मैं 17, कितना 17 का है तू? 18। 18 में मेरा नहीं था इतना पीआर। आई सॉ हिम डूइंग डेडलिफ्ट ऑफ, कितना किया था तूने? 120। और मैंने 120 टच किया था व्हेन आई वाज इन 21। तो बहुत आगे है ये लड़का, मेरे से तो बहुत आगे है। आई गेस प्रिटी बाय द टाइम ही टर्न्स 23 ही वुड बी एबल टू डू समवेयर अराउंड 120, अगर कंसिस्टेंट रहा तो। आई एम नॉट श्योर क्या कंसिस्टेंट रहूँगा। और इंटरमीडियंट फास्टिंग मत करना, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं अभी, बिल्ड सम मसल्स, श्रेडिंग तब कर पाएगा, समझा? सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम जिम। आने के बाद मैंने अपना नॉर्मल वे प्रोटीन जो होता है वो पिया एंड उसके बाद फिर ऐसे ही चिल कर रहा था। मम्मी लोग अभी बाहर गई खाने के लिए, आज भूख लग रहा है तो आज बनाते हैं फ्रेंच टोस्ट। मैं आपको इसका सुपर इजी रेसिपी बताता हूँ। ऑल्सो गाइज वेलकम टू कूश किचन, और अब ये अपग्रेडेड वर्जन है। अब ऐसा किचन नहीं है जहाँ पे मैंने सामान रख दिया फ्रिज के ऊपर तो वैसा हो गया। यहाँ पे अब देख रहे हो 4 स्टोव है, ठीक है, और सामान देख रहे हो इतना सारा सामान है। तो अब अपग्रेड हो चुका है हम लोग का किचन। ये बैंगलोर का किचन है जहाँ पे मैं अच्छे से कुक कर सकता हूँ,
दो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मम्मी है तो जो वही बनाती है मैं खा लेता हूँ, बट हाँ ये बड़ा वर्जन है मेरा किचन का, मेरा अपना किचन ये। तोड़ना होता है और तोड़ के इसको अंदर डाल दो। इसमें हम लोग थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे, एकदम थोड़ा सा। और इसको ऐसे ऐसे करके चला लेंगे। सो दूध और अंडा यहाँ पे मिक्स हो गया है और इसको मैंने ऐसे करके फेंट भी लिया है। यूजुअली क्या होता है फ्रेंच टोस्ट में लोग शुगर यूज करते हैं, बट क्योंकि मैं अभी कैलोरीज अपनी काट के रखा हूँ, मतलब मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, तो मैं शुगर फ्री यूज़ करूँगा। आपको सेम तरीके का टेस्ट मिल जाएगा और आप अपनी कैलोरी शुगर की बचा भी सकते हो। आई गेस इतना काफ़ी है। उसके बाद गैस ऑन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली लोग बटर यूज़ करते हैं फ्रेंच टोस्ट में, बट अगर आप कैलोरी के रिस्ट्रिक्शन में हो देन डू नो नीड टू यूज़ बटर। मैं ये स्प्रे यूज़ करता हूँ, ये स्प्रे लाइट का एक स्प्रे है। हाँ, सो ये स्प्रे लाइट का एक स्प्रे है जहाँ पे आपको अगर कोई भी चीज़ आपको यूज़ करना है जिसमें ऑयल यूज़ होता है या बटर यूज़ होता है एंड यू आर हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज टू ईट, तो आप ये सब स्प्रे यूज़ कर सकते हो। सो ये हीट हो गया है, उसके बाद आपको बस ये स्प्रे यहाँ पे कर देना है। दिस इज ज़ीरो कैलोरीज। इसको ऐसे करके डाल देंगे ब्रेड को और फिर ये जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर डाल देंगे। क्या आवाज़ है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया अभी। आई होप ये अच्छे से बन जाए और मेरा पचका ना हो। तो ये जला नहीं है, ये इसका सेम फ्लेवर होता है जब आप इसके ऊपर ओट्स सॉरी जब आप इसके अंदर दूध और मिल्क का वो डालते हो तो इसका फ्लेवर ही ऐसा, मतलब इसका टेस्ट और कलर ही ऐसा बन जाता है। सो हम लोग का फ्रेंच टोस्ट तैयार है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है जो कि इसके टेस्ट को एकदम कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी, देखना। तो हमारे पास है ये हनी, डालना यार। आह 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 आह। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया दिखा दिखा के, बट अगर आप कैलोरी के रिस्ट्रिक्शन में हो तो आप थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लेना इसका। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेंच टोस्ट तैयार है। अब कोई भी रेसिपी बनाने के बाद उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसको टेस्ट करना। तो मैं आपके लिए एकदम ऑनेस्ट फीडबैक बताऊँगा कि कैसा बना है। तो इसको खा के मैं वापस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ जो कि एकदम सत्य है कि अच्छा हुआ मेरा पैशन बॉडी बिल्डिंग है और फिटनेस है, वरना ये कविता किचन और जो संजीव कपूर लोग जी लोग हैं ये लोग के लिए मुश्किल होता, मतलब क्योंकि मैं रहता ना, मैं अगर वो प्रोफेशन में होता तो मैंने आग लगा दी होती आज तक। तो मतलब कोई चीज़ गंदी बनाने आती नहीं मेरे को। अगर मैं आज मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा था एक हाथ से खाना बना रहा था फिर भी देखो ऐसा बन गया है, सोच लो दोनों हाथ से बनाता तो कितना टेस्टी बन जाता। क्या है यार, कितना अच्छा बना दिया मैंने। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। तो इसको मैं खाऊंगा अब आराम से। और अभी मम्मी लोग और सिद्धार्थ लोग गए हैं उडुपी, यहाँ पे सामने में एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, नाश्ता करने के लिए, नाश्ता नहीं लंच ही करने के लिए, ब्रंच बेसिकली। तो इसीलिए जब मेरे को कुछ बाहर जाना रहता है तो मैं थोड़ा सा घर से खा के जाता हूँ ताकि उतनी भूख ना लगे जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खा लूँ। और साउथ इंडियन खाना मतलब थोड़ा सा ऑयली होता है लंच टाइप में। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जाना अगर आप नए हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट वीडियो दैट यू वांट टू सी। एंड ऐसे ही खुश रहना एंड स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।